वाराणसी में बड़े हर्षोल्लास के साथ अम्बेडकर जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में अम्बेडकर जी के विचारों और सिद्धांतों की चर्चा की गई। वहीं मलदैया स्थित युवाओं ने प्रचंड गर्मी में लोगों को रुआवजा व बिस्कुट वितरण करके अम्बेडकर जी की जयंती मनाई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्षेत्रीय लोगों का बढ़ चढ़कर योगदान रहा। देखिए हमारे संवाददाता विवेक यादव की रिपोर्ट। नाम क्या पड़ेगा आपका? तरुण। तरुण। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो आज आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं? जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं कि हम लोग भीमराव अम्बेडकर के जयंती में मनाते हैं, उसी के त्यौहार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उनका संविधान और उनका सोच, उनके विचारों को हम लोग रख के मायने पर उसी पर चलते हैं। उन्हीं का जो विचार सोच, उन्हीं की वजह से हम लोग को हर चीज़ की सुविधा, लाभ, हर चीज़ मिलता है। और जो हम लोग को हर चीज़ एक फायदे के रूप में अगर देखा जाए तो हम लोग को जो शिक्षा दी है। अच्छा, बात की जाए संविधान की, तो लोग आज देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है कि संविधान को हटाने के प्रयास में लगे हैं और उसको नहीं मानते हैं, वो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? संविधान देखिए, जो भीमराव अम्बेडकर का संविधान है वो कभी नहीं हट सकता है, चाहे कोई भी ताकत लगा ले, वो संविधान वही चलेगा। क्योंकि उनका संविधान हटने का मतलब है कि दुनिया का नाश हो जाएगा। मिला जुला के देखा जाए तो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि लगातार कोशिश कर रही हैं कि संविधान को जहां तक हो सके ख़त्म कर दिया जाए और कुछ और चीज़ लागू किया जाए। क्या सब लोग मानते हैं भीमराव अम्बेडकर को? कोई भी पार्टी हो, कोई बुरा नहीं चाहता है, सब लोग जानते हैं। और अम्बेडकर साहब का कोई भी नहीं संविधान ना हटेगा ना हटेगा। लास्ट में बनारस से अपना परिचय बताएँ। हमारा परिचय आशीष कुमार जी, मलदैया अपोजिट सिंह मेडिकल के पास। आज ये किस प्रकार का कार्यक्रम रखे हैं, इसका उद्देश्य क्या रखा है आपने? ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, उन्हीं के नेतृत्व में शरबत बांटने का कार्य चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उन्होंने योगदान दिया है समाज और सामाजिक लोगों के लिए? सबसे बड़ी चीज़ बात करना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान के लिए किए हैं वो तो नहीं हम लोग पूरा कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि बाबा साहब का जो सपना है वो हमेशा रहेगा हम लोग के दिल में। अगर बाबा साहब नहीं है तो उनके प्रति प्यार हमेशा रहेगा। हर साल 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 14 अप्रैल को जन्मदिन मनाया जा रहा है। रुहाबजा पार्ले जी शरबत बांटने का संकेत करेंगे। आप लोग कुल कितने की संख्या में यहाँ पे एकत्र हुए हैं? संख्या हमारी जो है 50 से 60 तक संख्या है।